दोस्तों कुछ दिन पहले छोटे पर्दे की जानी मानी खूबसूरत अभिनेत्री जेनिफर विंगेट ने अपना जन्मदिन मनाया था। इस दौरान कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए थे जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके फैंस इन तस्वीरों और वीडियोज को भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब जो उनसे जुड़ी खबर आई है वो काफी हैरान कर देने वाली है। आपको बता दें कि जेनिफर ने साल 2012 में अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी, लेकिन दोनों की शादी 2 साल तक चल पाई और दोनों अलग हो गए। उसके बाद करण सिंह ग्रोवर ने अभिनेत्री बिपाशा बसु से साल 2016 में शादी कर ली। पति से अलग होने के बाद जेनिफर ने अभी तक अपनी लाइफ में सिंगल ही रही, लेकिन अब लगता है कि वो जल्द शादी करने वाली है। हालांकि उनका दूल्हा कौन होगा और वो कब शादी करेंगी, इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि उनका अफेयर उनके एक को स्टार के साथ चल रहा है, लेकिन इस बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई थी। अब ये देखना है कि आखिर जेनिफर विंगेट किसको अपना साथी बनाती हैं। दोस्तों अगर हम जेनिफर विंगेट के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत कुसुम से की थी। इसके बाद कसौटी जिंदगी की, जो कि 2005 से 8 तक आप लोगों ने देखा होगा, दिल मिल गए, ये 2009 से 10 के बीच में चला था, सरस्वती चंद जो कि 2013 से 14 के बीच में आया था, बेहद ये 2016 से 17 के बीच में आया था, ऐसे सोच में लीड रोल निभा चुकी हैं। जेनिफर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला था, जिसकी वो हकदार भी हैं।